मैनेजर अभी मुझे 1000 रुपया ऑफर कर रहा है, बोला 500 रुपया अभी बनाने में लगा हुआ है। मैंने उनको सच में बताया 500 रुपया लगा हुआ है और वो 500 का तेल भरा, वो मुझे 1000 रुपया दे रहे थे। मैंने बोला 5000 से कम आपको हर्जाना नहीं देना चाहिए और अभी मैं पुलिस को भी बुलाऊंगा, उसके बाद आप बताना कि पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बना रहे हो। कि आप लोग देख रहे हैं पुलिस को बुलाने के बावजूद भी यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पुलिस कोई एक्शन लेना नहीं चाह रही है। मैं एज अ कॉमन मैन मैं न्याय मांग रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पुलिस कुछ एक्शन ले इस पेट्रोल पंप के खिलाफ, इसके मैनेजर के खिलाफ कोई एक्शन ले। अब ये जब दूसरा घटना इस पेट्रोल पंप में जैसे सुनने में आ रहा है, तो इसको कुछ एक्शन लेना चाहिए। एज अ कॉमन मैन मैं बोल रहा हूँ कोई एक्शन ले, लेकिन सब कोई नकारे जा रहे हैं। का पंप है, केस ग्रुप का हेड ऑफिस का आदमी। अच्छा, मेरा नाम गोपाल बोल। कैसे क्या हुआ? 9 तारीख को एक आदमी आके यहाँ से पेट्रोल भराया अपना बाइक में, 10 तारीख इवनिंग में आके पेट्रोल में कुछ पेट्रोल लेके इसमें नीचे पानी भरा हुआ था, आपको कंप्लेन किया था, इधर से लिया। हम लोग जा किया, उनको पूछा यहाँ का कैश मामा उनके पास नहीं था। हम लोग ये मामले में इनको नहीं बोल रहा है कि यहाँ से नहीं लिया। हम लोग कोशिश करेंगे पूरा, ये जो कस्टमर है जो हम लोग जैसे 10 रुपया का भी सामान खरीदते हैं उसके फुल सेटिस्फेक्शन देना हम लोग का ड्यूटी है। हम लोग वही कोशिश करता है ये इस काम का जितना सुनाम है ये रक्षा करने के लिए, हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए एंड तक जाके उसको जो प्रॉब्लम हुआ सॉल्व करने का कोशिश कर रहा है। इस बुक का मेन फंक्शन क्या है इसमें कंस्ट्रक्शन का? जो पूरे तरीके से जो कंस्ट्रक्शन हुई है जब बनी थी, आज से कितने साल पहले ये जो पेट्रोल पंप है वो बना था? 1980 का है पेट्रोल, मतलब 40 साल हो चुके हैं इस पेट्रोल पंप को बने हुए फिलहाल। तो जब हम लोग जानते हैं कि आए दिन यहाँ पर जब भी बरसात होती है, तो बिहार मोड़ की बात करें या फिर बागडोगरा इलाके की बात करें, तो बारिश के समय पानी जो है वो लग जाता है। अब बात रहे पेट्रोल पंप में, पेट्रोल में पानी मिल रहा था, तो उसको लेकर के यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएँ हैं?
ये तो बच्चा बच्चा जानता है, पेट्रोल में पानी सलेबल नहीं है। कोई आदमी, कोई स्टाफ, कोई मालिक जानबूझकर पेट्रोल में पानी नहीं मिलाएगा। ये जो पेट्रोल में पानी घुस जाता है, ये एक नॉर्मल फिनोमेनन है जो बरसात में हर कोई पेट्रोल पंप में हो सकता है, कभी कभी होता भी है। लेकिन इस बार जो घटना हुआ, एक ही आदमी आगे कंप्लेन किया, उनका आगे पीछे और बहुत सारे पेट्रोल स्कूटी बाइक गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ, एक भी आदमी आके नहीं कंप्लेन किया। इसमें और भी किसी का प्रॉब्लम हुआ, पानी आया, फिर भी दो आदमी हम लोग से नाराज हुआ। हम कोशिश करेंगे उनको कस्टमर हिसाब से दोबारा हमारा पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल खरीदे, ये हम लोग का ड्यूटी पड़ता है उनको। जो चलिए, ये तो आपकी पक्ष रही कि आपने कहा, उनसे आग्रह किया कि उनसे पेट्रोल खरीदा, वो खरीदे चाहे ना खरीदे वो उनका मर्जी। साथ ही साथ ये 40 साल पुराना पेट्रोल पंप है, और शहर में अगर हम बात करें सिलीगुड़ी या फिर एक नेशनल हाईवे पर ये पेट्रोल पंप जमा हुआ है। इससे पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई थी? हाँ, इससे पहले एक बार हो चुका था, उस बार जेन्युइनली हुआ था। जो 16-17 बाइक में कंप्लेन आया था, हम लोग का हिसाब से अनुसार उनका पेट्रोल का दाम भी वापस दिया, और गाड़ी का जो नुकसान हुआ था हम लोग उसको भरपाई कर दिया था। अच्छा, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी कल की घटना जो सामने आई थी, इसके पहले भी आपने 16-17 गाड़ियों को क्षतिपूरण दे चुके थे, तो यहाँ पे जब पेट्रोल पंप बन रहा था तो उस वक्त इन सभी चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया, या फिर जो कंस्ट्रक्शन जिन्होंने बनाया, या फिर जो ये ग्रुप है वो ग्रुप क्यों नहीं ये सब सोचे, गलती किसकी है आगे? आपको पता होगा पेट्रोल पंप में कोई मर्जी माफी हम लोग रिपेयर एडिशन ऑल्टरनेशन रिनोवेशन नहीं कर सकता है। ये इंडियन ऑयल का पंप है, उनका जितना सारे डायरेक्शन है उस हिसाब से ये पेट्रोल पंप उनका इंजीनियर ही बनता है, इंजीनियर लोग ही बनाता है। आपने उन्हें बताया, इन सभी बातों की जानकारी दी है आपने उनको? और बारिश का जो हुआ इस बार में, जो पुराना टाइम में बोला 16-17 साल, उस दिन यहाँ 3 इंची से ज़्यादा बारिश हुआ था। और आप जो बोला नेशनल हाईवे का पेट्रोल पंप, तो बारिश को भी नेशनल हाईवे और ग्रामीण रोड ये देख के नहीं होता है, बारिश पेट्रोल पंप में। लेकिन लोग जो यहाँ से जाएंगे आएंगे, एक बीच में पेट्रोल पंप कहीं भी मिल जाए, तो जब लोग जाते आते हैं तो होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर इसकी गलती की अगर हम बात करें, तो कंस्ट्रक्शन में जो बनाए थे उनकी गलती है, या फिर ये जो ग्रुप बनाए थे उनकी गलती? नहीं, गलती नहीं आई, दिस इज एन एक्सीडेंट, इसको आप गलती नहीं कर सकते हैं। जितना सारे पेट्रोल, ये तो बार बार ही हो रही है एक्सीडेंट, तो बार बार नहीं है। आप तो अभी बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले भी 16-17 गाड़ियों को आपने क्षतिपूरण दिया। 40 साल से आज तक कितना दिन हम लोग से 2 दिन हुआ, इसको कोई प्रैक्टिस नहीं बोला जाता है, ये दिस इज एन एक्सीडेंट। तो अभी आप लोग क्या व्यवस्था ले रहे हैं, इंडियन ऑयल और आपके ग्रुप इसमें क्या सोच रहे हैं, क्या भूमिका निभा रहे हैं? हम लोग सोच रहा है जो आदमी कंप्लेन कर रहा है उनका ट्रेस हम लोग नहीं कर पा रहा है, उनसे बैठ के हम कैसे ये प्रॉब्लम होता है, अगर उसका जेन्युइन प्रॉब्लम होगा तो कैसे सोल्यूशन किया जाता है, उससे ही सजेशन देंगे। इन द मीन टाइम हम लोग इंडियन ऑयल में बोला अच्छा, आप बता रहे थे कि कुछ देर पहले कि जब भी कोई भी पानी या फिर कोई भी दूसरी तेल अगर डाला जाए पेट्रोल में, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद हो जाता, फिर कल किस तरीके से वो चालू रहेगी? अब तो ये लगता है कि और कल चालू हुआ पानी घुसा, ये आप खुद ही तैयार कर लेता है, मुझे जितना तर लगता है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि हम लोग खुद हम लोग ये बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिनका हुआ था वो आप बता रहे थे सिस्टम बंद था, तो यहाँ तक पेट्रोल कैसे आ रही? मैंने सिस्टम बंद था ये नहीं बोला, आपने कुछ आप मेरा मुंह में बात बिठा रहा है, आप बोलिए ना, क्योंकि हम बिठा नहीं रहे। हाँ, सिस्टम बंद कल नहीं हुआ, यही मेरा मुद्दा है। जो ये ऑटोमेशन पंप है, बाहर से कोई पानी कोई ऑटोमेशन कोई भी होगा तो ये तुरंत बंद हो जाएगा, ये सब नहीं हुआ। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहले एक बार बोला, आप प्लीज़ नोटिस कीजिए
कि कल जब उन्होंने पेट्रोल भरा उनका बाद में उनका पीछे भी बहुत सारे पेट्रोल अभी भी चालू है, आप देख रहे हैं सर्विस वो तो दिख ही रहा है चालू है। तो और कोई भी कस्टमर आके पानी के लिए कोई कंप्लेन नहीं किया, फिर भी हम दोबारा बोल रहे हैं जिसका प्रॉब्लम हुआ उनसे हम लोग मिलना चाहते हैं, अगर उनका कोई प्रॉब्लम रियली हुआ तो हम लोग उनका शॉर्ट आउट करने के लिए तैयार है। ये तो इनकी एक की बात हुई जो कल आए थे और उन्होंने अपनी जब प्रॉब्लम हुआ था तो उन्होंने बताया था कि पेट्रोल और पानी जो है उनके पेट्रोल में मिला था, ये एक बार की बात है। उसके पहले आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी 15-16-17 जनों को आपने क्षतिपूरण दे चुका है, यानी कि गलती आपकी थी। यस, उस टाइम में भी मुझे बारिश हुआ था, पेट्रोल टैंक में घुसा था, तुरंत हम लोगों को बंद कर दिया था, सेल इंडियन ऑयल का आदमी आके उसको बंद किया, उसका जो रेमेडी था वो करने के बाद फिर पेट्रोल पम्प वो टैंक में चालू किया था। और कल की गलती के बारे में आप किसको दोषी ठहरा रहे हैं? मैं दोषी नहीं ठहर रहा था, मैं फिर भी बोल रहा हूँ जो लोग कंप्लेन किया है उनको दोबारा मैं कस्टमर हिसाब से उनको मिलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ दोबारा हमसे ही पेट्रोल पंप पेट्रोल खरीदे एज ए ओनर एज ए एम्प्लॉई या हर कस्टमर पुराना जितना कस्टमर है उनको हम चाहते हैं उनके साथ साथ नया कस्टमर जुड़ने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये तो इनके पक्ष रही कि ये चाहते हैं, इनका क्या कुछ कहना है हम आपको दिखा देते हैं एक बार, जहाँ से कल पेट्रोल लोग लेके जा रहे थे और कल से लेकिन अब तक ये चालू है यहाँ पर सेवाएं, जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं स्कूटियों में गाड़ियों को लेकर के उनकी सेवाएं लेकिन लगातार रूप से जारी है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के हम मैनेजर से भी बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है आज इस टॉपिक को लेकर के। अच्छा आप क्या करेंगे? पानी यदि रहता चाहे कोई प्रोडक्ट में मेरा गड़बड़ी रहता तो उनके आगे जो गाड़ी गया उसमें भी गड़बड़ी होता, पीछे गया उसमें भी गड़बड़ी होता, बाकी एक गाड़ी भी कंप्लेन नहीं किया सिवाय उनके। तो हो सकता है ना कि वो लोग जो लेके गए होंगे वो लोग कहीं दूर चले गए होंगे। मेरे यहाँ तो घूर फिर के सब 5 किलोमीटर एरिया का ही कस्टमर आ रहा है, ज्यादा बाहर के या फिर बाहर के नहीं है क्योंकि हाईवे में तो लोकल भी रहेंगे और 10 बजे का टाइम बता रहे हैं जी। 10 बजे सारा लोकल आदमी ऑफिस जाता है जी। शाम को वापस आता है यहाँ से तेल लेकर ऑफिस गया, वापस इसी रास्ते से गया। यदि प्रॉब्लम होता तो हमको जरूर बोलते आके, लेकिन कोई भी कस्टमर एक तब तक नहीं हुआ होगा। हो सकता है पानी रहेगा मैडम 2 किलोमीटर गाड़ी चल के बंद हो जाएगी, और वो 500 रुपये का पेट्रोल लिए थे जैसा कि बोल रहे हैं, उनके पास कोई स्लिप नहीं है, ठीक है हर आदमी स्लिप लेता भी नहीं है, उनके बोतल में 100 ग्राम पानी था, मात्र 100 ग्राम काफी है, 500 का तेल में 100 ग्राम ही पानी जाएगा। तो हो सकता है कि 100 ग्राम ही गया हो। कैसे जाएगा 100 ग्राम तेल, पानी भारी होता है, पानी नीचे पहले आएगा, पहले पानी जाएगा। अच्छा, आपके यहाँ पे कोई सिस्टम ऐसी है या फिर इंडियन ऑयल ने ऐसा कोई सिस्टम कर रखा है कि अगर कोई भी पानी या फिर पेट्रोल या फिर पेट्रोल और डीजल के अलावा अगर कुछ भी उस सिस्टम में दूसरी ऑयल जाती है तो वो बंद हो जाए? मेरा पूरा पंप बंद हो जाए तो इसके पहले जो कुछ दिन पहले आपको जो और बता रहे थे गोपाल जी कि 15-16 जनों को उन्होंने क्षतिपूरण दिया था और ये घटना हुई थी, तो उसमें क्या गलती थी और इसमें क्या गलती है? और टंकी में मैडम 10-15-20 लीटर पानी रहता ही है नीचे, हाँ उस समय जो घटना घटा था इथेनॉल मिक्स एक प्रोडक्ट है इंडियन ऑयल का पेट्रोल, 10% इथेनॉल मिक्स रहता है, तो वो यदि 1 लीटर पानी के भी संपर्क में आए सारा पेट्रोल पानी इंडियन ऑयल का प्रोडक्ट है पता कर सकते। तो मेरे टंकी में 10-15 लीटर पानी था, तो मेरा 8 के 2 दिन हम पेट्रोल लिए थे 800 लीटर इथेनॉल मिक्स था, तो वो 800 लीटर इथेनॉल पानी है, उसे मेरा कोई गलती नहीं है, गलती है मेरा तो गलती है, हाँ हम लोग ध्यान नहीं दे पाए, हाँ कस्टमर को यानी कि आप गलती मान रहे हैं कि गलती आपकी है, गलती था। और ये जो कल की घटना हुई कोई घटना नहीं है, कोई घटना तो आगे पीछे कोई एक भी और तो आता, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर 2-3 दिन आता तो मानते बताते हैं तो वो सही नहीं है, अगर और 2-4 लोग अगर आके बताते हैं अगर बताएंगे कि हाँ हमको इस तरीके की प्रॉब्लम हुई थी तब जाके ये मानेंगे कि हाँ इंडियन ऑयल की ये गलती है, ये इस ब्रांच की ये गलती है कि क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ सालों पहले हमने देखा था सिलीगुड़ी के जो चंपासारी इलाके में भी जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर भी कुछ ऐसी घटना घटी थी और उसके बाद भी लेकिन उसे कुछ दिनों के लिए बंद भी किया गया था, फिर बाद में ठीक किया गया था, फिर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ऐसी स्थिति है, अगर कल ऐसा कोई घटना हुआ जाता तो आपको नहीं लगता कि कुछ समय के लिए पेट्रोल
इस पेट्रोल पंप को फिलहाल के लिए एक बार बंद करके फिर से सब कुछ जांच करके ठीक करके फिर से दोबारा चालू किया जाए? हम प्रत्येक दिन सुबह में जांचते हैं, अपना डीप लेते हैं कितना पानी है। तो इतने होने के बाद भी कल की घटना कैसे? कल का घटना उससे पहले भी कहते थे और उसके पहले जो घटना हो गई 16-17 जनों को जो आपने क्षतिपूर्ण तो वो सिस्टम बंद की नहीं हुआ? सिस्टम कैसे बंद हुआ? सिस्टम बाद में बंद हुआ। बस आप तो कह रहे हैं कि जब वैसा कुछ होता है तो सिस्टम बंद हो जाता है। बाहर से प्रोडक्ट डालेंगे तब ना बंद होगा। हम तो बाहर से प्रोडक्ट डालेंगे, इंडियन ऑयल का ही प्रोडक्ट हम डाले थे अंदर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस तरीके से इंडियन ऑयल की अगर पेट्रोल में प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे अभी भी पेट्रोल पंप चालू है, अगर कल की घटना कहे तो एक एडवोकेट है और नहीं लगता कि कोई भी इस तरीके से अगर जुड़े हुए हैं न्याय के पक्ष से वो जुड़े हुए हैं, तो वो नहीं लगता कि क्यों वो अपने माथामारी करेंगे और इस तरीके से झूठे आरोप इंडियन ऑयल पर चढ़ाएंगे और इस तरीके से वो बात करेंगे। हालांकि पेट्रोल पंप के मैनेजर और यहाँ के पक्ष से कहा जा रहा है कि जो भी कुछ मामला है वो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसको बंद नहीं कर सकते हम लोग पेट्रोल पंप। और लेकिन इंडियन ऑयल से हम चाहते हैं कि एस्केलेट की मांग करता, अगर ऐसी कोई घटना हो रही है, पिछले बार भी ये कह रहे हैं कि 16-17 जनों को इन्होंने क्षतिपूर्ण दिया था और उसके बाद फिर से कल परसों ये घटना घटी है, तो वो उसके पहले कितने बार ये घटना हुई हम नहीं जानते। और आज हम बता दें कि आज 40 साल हो गए इस पेट्रोल पंप को, और उस वक्त 20 साल पहले की अगर हम बात करें तो उतने न्यूज़ चैनल, उतने न्यूज़ पोर्टल्स भी नहीं थे कि जन जन तक इतनी सारी बातों को पहुँचाया जाए। लेकिन आज जब ये मसला सामने आ रहा है तो क्या इंडियन ऑयल की ये और इस ग्रुप की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहाँ पर एक जाँच हो, यहाँ पर एक पर व्यवस्था की जाए? क्योंकि जब भी बरसात होती है तो हम अगर बागडोगरा की और बिहार मोड़ की ये मेडिकल मोड़ की बात करें तो पानी लग जाती है। ये जाहिर सी बात है कि बरसात किसी ग्रामीण क्षेत्र और ऊंची सड़क को देखकर बरसात नहीं होती है, लेकिन व्यवस्था ठीक होनी होगी, दुरुस्त होनी होगी, नहीं तो हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ से कोई पेट्रोल लोग ले ही ना आज की इस खबर को देखने बाद। सिलीगुड़ी से नहीं, माफ कीजिएगा, हम लोग बागडोगरा के मेडिकल मोड़ से नेहा गुप्ता, एसके लाइव।